हे ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज इस व्लॉग में मेरे पास दो खबरें हैं, एक गुड न्यूज़ है और दूसरी बैड न्यूज़ है। तो पहले मैं आपको गुड न्यूज़ बता देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, मतलब जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले एक प्रेप की थी उसी तरह से एक और कटिंग प्रेप होगी, कट प्रेप होगी, जो कि अप्रोक्स एक मंथ की होगी। तो वो भी हम रेगुलरली इंशाल्लाह ताला रेगुलरली व्लॉग भी बनाएंगे और उनको अपलोड भी करेंगे, जिसमें मैं अपनी डाइट वगैरह भी आपको कवर करता रहूँगा और हो सकता है उन व्लॉग्स की मदद से आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए अपनी फिटनेस जर्नी में इंटर होने के लिए, या फिर अगर आप इंटर हो गए हैं तो कुछ बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा ज़रूर। तो अभी बैड न्यूज़ की तरफ आएँ, तो बैड न्यूज़ कुछ ऐसी है जिसको अनाउंस करते वक्त, या फिर जब मैंने उसको माइंड में सोचा था कि यार ये करना है, तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। और वो बैड न्यूज़ ये है कि जो हमने पिछली प्रेप की थी 46 डेज़ की, उसमें हमने अपने आप को चैलेंज दिया था कि हमने 46 डेज़ के लिए एक कटिंग प्रेप करनी है, अपने आप को रेगुलर रखना है जिम में, कोई दिन कोशिश करनी है कोई दिन ऑफ ना जाए, और हर रोज़ एक व्लॉग बनाना है और हर रोज़ एक व्लॉग अपलोड करना है। तो इनमें तीन चीज़ों में से तीन काम करने थे, एक रेगुलरली वर्कआउट करना था, दूसरा व्लॉग बनाना था, तीसरा उसको एडिट करके अपलोड करना था। तीनों में से दो काम बड़े अच्छे से होते रहे हैं। वर्कआउट करने में जाता रहा हूँ, वीडियो बनाता रहा हूँ व्लॉग को, तीसरा काम जो एडिट करके अपलोड करना है ना, वो काम मुझसे ठीक से नहीं हो सका। तो अभी भी मेरे पास 4 से 5 फोल्डर बैकअप मेमोरी कार्ड्स के पड़े हुए हैं, जिसमें हर फोल्डर में तकरीबन 80-90 वीडियो क्लिप्स हैं जिनको जोड़ेंगे फिर एक व्लॉग क्रिएट होगा। तो अभी बैड न्यूज़ इसमें यह है कि मैं उस सब को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बड़ा हेडेक है और अभी ठीक से माइंड में है भी नहीं कि उस वक्त मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैसअप हुई पड़ी हैं। सभी दिनों के व्लॉग्स का डाटा जो है वो इकट्ठा ही पड़ा हुआ है, मतलब अगर मैंने डे वाइज उनको सेपरेट किया होता तो फिर शायद मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता, बट मैंने वो भी नहीं किया, तो दैट इज़ वाई मैं उसको गिव अप करना चाह रहा हूँ, उसको मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। सो दिस वाज दी ओनली अपडेट जो मैं आपको देने वाला था। और अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 6 बजने वाले हैं, और अभी थोड़ी देर में हम अपनी प्री वर्कआउट मील रेडी करेंगे, उसके बाद हम वर्कआउट के लिए लीव करेंगे, और जो प्रॉपर इस सीरीज़ का आगाज़ होगा वो कल से होगा, मतलब इस व्लॉग के बाद जो अगला व्लॉग आएगा उससे हमारा डे वन स्टार्ट होगा कटिंग का। सो बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, एंड दिस इज़ माई न्यू बैग जो कि एक स्पोर्ट्स बैग है, तो आई जस्ट गॉट इट, और ये काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स बैग है, मुझे काफ़ी अच्छा, इसके ओवरऑल स्टिचेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, मतलब हार्डकोर इसको यूज़ कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और साइज़ भी काफ़ी हट्टा कट्टा है, मतलब इसमें लिटरली कुछ भी मैं अपना पैक कर सकता हूँ। जस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉकेट्स दी गई हैं, तो काफ़ी सारे पोर्शंस हैं इसमें, मैं अपने पावर बैंक चार्जर वगैरह स्टोर कर सकता हूँ इसमें, कुछ और चीज़ यहाँ पे मैंने फ़िलहाल अपना नया प्री वर्कआउट रखा हुआ है, टोटल वार का गेन मैंने ये बाय कर लिया था, तो उसके अलावा कुछ भी। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये वाला अपना जो बड़ा बैग है कैमरे वाला वीडियो बनाने के लिए वो नहीं कैरी करना पड़ेगा, और अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं अपना ट्राईपोड भी डाल सकता हूँ, बट उस वो मैं नहीं डालूँगा, उसकी वजह ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कपड़े शूज़ कुछ भी कुछ भी मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे दो और बड़े बड़े पॉकेट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने इसमें एक छोटा बैग फिट किया है, यहाँ पे कोई भी मतलब सॉफ्ट पॉकेट कोई भी नहीं है जिसमें मैं अपना कैमरा ईज़िली टेंशन फ्री हो के रख दूं, मतलब कि उसमें कोई स्क्रैच नहीं लगेंगे, चीज़ें एक दूसरे में नहीं लगेंगी, इस तरह की कोई पॉकेट इसमें नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें एक ये जो DJI का छोटा बैग आता है वो मैंने इसमें रख दिया है, और उसके अंदर मैंने अपना कैमरा रख दिया है, मतलब बस कैमरा और लेंस ही इसमें आएगा, बाकी जो भी मैं चीज़ कैरी करूँगा माइक्रोफोन हो गया या कोई भी और चीज़ होगी वो मैं सेपरेटली रख लूँगा, उसका कोई ज़्यादा इशू भी नहीं होगा, ज़्यादा मसला कैमरा और लेंस का ही है।
जस्ट अ शॉर्ट रिमाइंडर कि कोई भी हैवी लिफ्ट करने से पहले बेल्ट लाजमी से लगा लें।